आपका स्वागत है दोस्तों हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी के मतलब कि 10:30 होने वाले होंगे, तो अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ के नज़ारे देखो कितना अच्छा है सुबह सुबह का। दोस्तों कॉल करने के बाद मैंने घर में झाड़ू मार दिया था, तो उसके बाद मूवी देखने गया। तो अभी के मतलब कि 2 बज रहे, तो लंच टाइम भी हो गया, तो लंच में कुछ बना लेते हैं। तो मौसम देखो मतलब कि पूरा धूप लगा हुआ है, और देखो इस साइड को बादल है, और देखो यहाँ से नज़ारा देखो कितना ना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, है ना, पूरा बादल ही बादल इस साइड को, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। चलो लंच के लिए बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, बाकी देखते हैं कुछ सब्जी में कुछ हो जाए या सुबह का बचा होगा तो वो भी खा लेंगे। फाइनली दोस्तों हमने रोटी डाल दिया है, तो ये वाला रोटी हमने डाला है, और ये वाला अंडा जो कि भैया ने बनाया था, यहाँ पर भैया ने आमलेट बनाया, मैंने रोटी डाला, कुछ ऐसा सीन है। और बाकी मम्मी जी परे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अब आमलेट क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है ना। तो अंडे का है कुछ इस तरह से बनाया हुआ, अब आमलेट बोले या कुछ बोले अब हमें नहीं पता, बस हम तो आमलेट ही बोलेंगे इसको। तो भाई ने बनाया आमलेट, मैंने डाला रोटी कुछ इस तरह से। बाकी मम्मी गए हुए परे कुछ घास काटने गए, मेरे ख्याल से घास काटने गए, इसको भी नहीं पता क्या करने गए, पर मम्मी गए कुछ काम से परे। तो मम्मी जब आएंगे फिर खाएंगे इसको। अभी भैया ने फोन किया कि आ जाओ घर पर, तो आते ही उन्हें, बाकी पापा तो घर पर ही है बैठे हुए। तो हम इसके बाद रोटी मतलब लंच करने के बाद घास काटने जाएंगे, ठीक है, लंच कर लेते हैं फिर जाएंगे हम घास काटने। बाकी मम्मी भी आ गए हैं यहाँ पर, कहाँ गए थे आप हैं, पसीने पसीने हो क्या, आगे कहाँ गए थे, कैसी फैमिली यार कुछ बोलते ही नहीं है, खुदाई करने गए थे। अच्छा मम्मी जी ऊपर एक खोदने गए थे, तो हमने रोटी डाल दिया है, और भैया ने जो कि अंडे का जो कि आमलेट बना दिया है। बाकी मौसम देखो यहाँ पर मतलब कि पहले धूप लगी थी ना, अभी तो पूरा बादल ही है, बारिश लग रही ना हल्की हल्की, है ना, हमें छोटी बूंदी बूंद थोड़ी ना हल्की हल्की छिटे जैसे पड़ रही है। तो लंच कर लेते हैं, मम्मी पापा भैया सब कुछ आ गए हैं सब लोग। तो अब हमारे को यहाँ पर लंच क्या बोलते हैं चाय बनाना बाकी है, अब चाय कौन बनाएगा। चलो हमारा भी आ गया है आमलेट, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आमलेट, और आमलेट और भी खाएंगे फिर चाय पियेंगे। चलो मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद जाएंगे हम घास काटने। दोपहरी खाने के बाद दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घास काटना है, तो घर से जो कि रस्सी दराती और दस्ताने और कुछ बोरी लेके जा रहा हूँ, तो यहीं जाएंगे हम पार, इधर ही पार जाएंगे घास काटने। तो पहले भी मैं इधर से ही लेके आया था ना घास, तो आज भी इधर ही जाएंगे हम घास काटने। तो अभी देखो मौसम कितना साफ हो गया, और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, क्या ही बोले। तो चलते हैं घास काटने, बिना हम खेत में आ गए, तो यहाँ से परी को काटेंगे हम घास। तो पहले का भी काटा हुआ था हमने, इधर देखो नीचे भी काटा है, यहाँ पर भी काटा हुआ। तो आसपास तो पूरा सेब के बगीचे, और सामने है यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है ना, ये नाशपति का पेड़ है। आज भी हम तोड़ने वाले थे, तो आज भी पता नहीं क्या हुआ हमने तोड़ा नहीं, तो कल परसों तो जरूर तोड़ देंगे नाशपति, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी तो देखो यहाँ पर रॉयल के सेब है पूरे, ये आप देख रहे हैं ना रॉयल के सेब है, और ये वाला है गोल्डन का। तो हम जो यहाँ से देख रहे हैं ना ये वाला घास पूरे ये काटेंगे, पूरा हरा भरा घास है, घना है एकदम, तो इसको काट लेते हैं। अभी दोस्तों घास का भारी लेके हम आ गए, तो जो घास का भारी था ना वो यहाँ पर रख दिया है। आजकल जो कि बहुत मतलब रोज बारिश आ रहे हैं ना, तो घास गिल्ला ना हो बोल के ये लगाते हैं। देखो पूरा घास ही ढक गया।
घास लाने के बाद दोस्तों मैं थोड़ी देर सो गया था, तो मतलब अभी के मतलब कि 7:10 है, तो शाम का वक्त है, तो सूर्य भी अस्त होने वाला है, पार्क देख सकते हैं आप। तो अभी ना मतलब कि हम पानी लेने जाएंगे, तो ये वाला कहनी आप देख सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि हम बाउंड्री से पानी लेके आते हैं, तो अभी हम वहीं पर जाएंगे पानी लेने। बाकी देखो शाम का मतलब कि पार्क देखो, सूर्य अस्त होने वाला है और अंधेरा अभी होने वाला है, तो मतलब कि पानी लेके आते हैं अंधेरा होने से पहले, तो चलते हैं पानी लेके आते हैं। अभी दोस्तों मैं बाउंड्री के पास आ गया हूँ, तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या नहीं लगा दिया है, ये भर जाएगा, फिर इसको लेके जाएंगे हम वापस घर। पानी लेके घर पर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं जो पानी था ना यहाँ पर रख दिया है, बाकी भुंटू मुंटू अंदर राड़िया मार रहे हैं, तो घास के लिए बोल रहे हैं उन्हें, तो अभी देते हैं उन्हें घर वाले भी इसको घास। तो आज तो दोस्तों मैंने काम कम रेस्ट ज्यादा किया, बाकी शायद हो सकता है हम सुबह शायद टाइटमैन तोड़ने जाए, टाइटमैन मतलब कि सेब की एक वैरायटी होती है टाइटमैन, वो तोड़ने जा सकते हैं हम सुबह 6 बजे। तो मतलब कि जब मैं अभी पानी लेने गया था ना अभी माउंड के पास, तो परे गांव से पर रहते हो बाबू जी, तो उन्होंने बोला कि मतलब सुबह आ जाइयो टाइटमैन तोड़ने, तो शायद हम सुबह 6 बजे टाइटमैन तोड़ने जा सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ सीन है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।